तो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टाइलिश जून ओम के संग। तो आज देखिए, मेरा बेटा एक्चुअली सुबह सुबह नहा रहा है और कांप रहा है कैसे करके। तुमको ठंड लग रही है क्या बहुत ज़्यादा? बोलो। तो इसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और बोल रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। और आज तो मैम आएगी तुमको पढ़ाने के लिए। आज क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं है तो टेस्ट वेस्ट है ना कुछ आज? हाँ, आज टेस्ट है। आज तुम्हारा 1 तारीख है, 1 जनवरी है, फिर भी छुट्टी नहीं है इसका। आज इसकी पढ़ाई है और टेस्ट है। और अब मैं आपको अपने एक सरप्राइज़ दिखाना चाहता हूँ, तो चलिए दिखाता हूँ आपको मैं। आप मेरे साथ बने रहिए। और वो सरप्राइज़ ये है, ये देखिए, ये मेरा 3 मंथ का मेरा दूसरा बेटा है। ये देखिए, गहरी नींद में सो रहा है पूरे चैन से। 1 जनवरी को तो कम से कम उठो, मस्ती करो, सो रहे हो से, ये सो रहा है। और तो ये देखिए, ये 2 जन है मेरे, दो दो बेटे। एक बड़ा बेटा, इसका नाम है वीर, और ये छोटा है, इसका नाम है विराज। और मेरा नाम तो आपको शायद पता नहीं होगा, मेरा नाम ओम है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मेरा छोटा बाबू उड़ गया है। अभी सोया हुआ था तो अभी उड़ गया, तो मैंने सोचा कि अपने सोए हुए देखा इसको, थोड़ा सा ये जब जाग जाता है तब उसका एक ठो मतलब वीडियो बना के दिखा दूँ मैं इसको। ये अभी से ही बहुत बदमाश है, बहुत बदमाशी करता है। मतलब जागा अगर रहेगा तो ये मतलब सो नहीं सकता है, लेट नहीं सकता है। इसको मतलब कोई ना कोई, इसको किसी के ना किसी के गोद में इसको रहना ही चाहिए, ऐसे नहीं सोएगा ये। तो ये इसका फर्स्ट न्यू ईयर है, और अब ये बस 3 महीना में इसका फर्स्ट न्यू ईयर चला आया है। तो ये आज पूरी तरह से 3 महीना का हो चुका है, क्योंकि इसका 1 अक्टूबर को इसका जन्म हुआ था, तो ये पूरा 3 महीना का हो चुका है आज। और ये इसका पहला न्यू ईयर है, और ये भी इन्जॉय कर रहा है बहुत। और फ्रेंड्स, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब्स और कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं अच्छा लगता है तो भी मुझको कमेंट में बता सकते हैं। तो ये ऊपर हवा है, तो हवा बह रहा है, तो ये हवा के झोंके ले रहा है, तो ये मतलब थोड़ा हिल रहा है उसमें। तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब्स और कमेंट करिए, क्योंकि अगर आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब्स और कमेंट करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, तो मैं और ऐसे ब्लॉग्स बनाता रहूँगा। थैंक यू।